नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राशि रत्नों को लेकर के तमाम तरह की जानकारियां मैं आपसे शेयर करता रहता हूं, लेकिन आज जो जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा वह बेहद खास है। आज मैं आपको बताऊंगा राशि रत्नों का स्वप्न में दिखाई पड़ना कैसा माना जाता है। आमतौर पर हमारी बातचीत होती है कि यह रत्न पहनने से यह लाभ होगा, इस राशि वाले जातकों को यह रत्न पहनना चाहिए, आपका भाग्य रत्न वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा राशि रत्नों का, अंगूठी का स्वप्न में दिखाई पड़ना किस चीज़ का संकेत है, इसके क्या फल होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में अविलंब आगे बढ़ते हैं। साथियों, राशि रत्नों का स्वप्न में दिखाई पड़ना बेहद शुभ माना जाता है। जो सबसे अच्छे 10 स्वप्न होते हैं जिनमें व्यक्ति की तरक्की होती है, धन लाभ होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, उनमें राशि रत्नों का दिखाई पड़ना भी होता है। राशि रत्न जब दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए आपको एक सप्ताह के अंदर कहीं से बड़ा धन लाभ होने वाला है। साथ ही साथ में सरकारी नौकरी की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति, राजनीति में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, प्रेम की प्राप्ति, तमाम तरह के फायदे राशि रत्न अगर आपको स्वप्न में कई दिन तक लगातार दिखाई पड़ते हैं तो आपके जीवन का जो प्लेटफार्म है वही चेंज होने वाला है। किसी साथी की सहायता से, किसी अच्छे मित्र की सहायता से आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन साथियों, यदि आपको टूटे हुए रत्न, खंडित रत्न, चमकहीन रत्न स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं तो यह किसी दुर्घटना का, धन हानि का या स्वास्थ्य के खराब होने का भी संकेत करता है। रत्न अगर चमकदार हैं, कलरफुल हैं, साफ सुथरे हैं, टूटे फूटे नहीं हैं, वही रत्न स्वप्न में दिखाई पड़ना शुभ होते हैं। लेकिन यदि आपको खंडित रत्न स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं तो यह आपके लिए गलत भी हो सकता है, सावधान हो जाने की आवश्यकता है। मैं कामना करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए